भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी कांत राधाकांत मुस्तुते तप्त कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणामामि हरिप्रिय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 आज हम श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के तीसरे अध्याय से बहुत अद्भुत श्लोक पढ़ रहे हैं जो यमराज और यमदूतों के बीच की संवाद है और ये संवाद बड़े अद्भुत हैं। मेरी तो इच्छा है कि ये आज तो एक श्लोक पढ़ रहा हूँ लेकिन आगे चल के मैं चाहता हूँ ये पूरे संवाद हम पूरे अध्याय को पढ़ें। बहुत अद्भुत है। जब यमदूत अजामिल की आत्मा को लिए बिना खाली हाथ पहुंचे और खाली हाथ पहुंचकर यमराज से प्रश्न पूछा तब यमराज ने वैसे तो बहुत चर्चा से इसका उत्तर दिया जो आप वैष्णव के लिए बड़ा हर्ष का कारण है, बड़ा हर्ष का कारण है। याद रखिए जब हम हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम आप समझिए हम अपना परम कल्याण कर रहे हैं, परम कल्याण कर रहे हैं। इसको बहुत आदर और सत्कार से कीजिए। जब आप कीर्तन करें तो पूरे आदर के साथ। अब हमें इस बात का अनुभव तो नहीं है कि साक्षात भगवान हमारे सामने आए तो हमारी क्या स्थिति होगी, लेकिन ये भी याद रखो कि कृष्ण का नाम भी कृष्ण से जुदा नहीं है। कृष्ण का नाम कृष्ण से जुदा नहीं है। इसलिए जब हम कीर्तन कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम तो बहुत आदर के साथ, बड़े सत्कार के साथ, मन में बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ हरि नाम, क्योंकि ये कृष्ण से जुदा नहीं है, कृष्ण से अलग नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण ही है। और अजामिल जैसा महापापी जिसने कोई पाप नहीं छोड़ा था, सारे ही पाप किए, लेकिन उसके बाद भी यमदूतों को यह आश्चर्य हो रहा है कि इतना बड़ा घोर पापी। मैं चाहता हूं ये पूरा अध्याय हम पढ़े। इतना बड़ा घोर पापी, इतने बड़े कुकर्म करने वाली व्यक्ति छूट कैसे गई? उन्होंने आगे बहुत सारे प्रश्न पूछे यमराज से और यमराज इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये श्लोक कह रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं जब आप कीर्तन करो बड़े सत्कार के साथ। मैं तो सोचता हूं रोज आपको कीर्तन ही कराया जाए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे
जब जहां मौका मिले महाप्रभु यही करते थे। जहां भक्त एकत्रित हुए क्या किया, कीर्तन आरंभ कर दिया। कभी अद्वैत आचार्य के यहां, कभी श्रीवास पंडित के यहां, कभी गदाधर प्रभु के यहां, कभी कहां कभी कहां, जहां उनके भक्त मिलते मिलकर कीर्तन करते। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। महाप्रभु बहुत विद्वान साक्षात भगवान, अब उनके ज्ञान में कहां कमी, साक्षात ईश्वर महाप्रभु। और जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने कलयुग का पूरा ब्यौरा देखा, ब्यौरा निकाला, और ब्यौरे निकालने के पश्चात उन्होंने सोचा इन जीवों का यदि कल्याण होगा तो हरि नाम से होगा। क्योंकि ये बात नारद मुनि तो बहुत पहले ही कह चुके हैं, हर हर नाम एव केवलम कलव नास्तेव 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 कृतज्ञता है। तो जो बात नारद मुनि बहुत पहले ही कह चुके, श्री चैतन्य महाप्रभु ने जीवों के कल्याण के लिए, जीवों के भले के लिए, जीवों के उत्थान के लिए, जीवों की प्रगति के लिए, जीवों को वापस अपने घर तक पहुंचा जाने के लिए, जहां से भी महाप्रभु गुजरे कीर्तन करते जाते हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सबको कीर्तन से निहाल करते गए, और उसका परिणाम क्या है, आज ये श्लोक पढ़ रहा हूं, भागवत छठा स्कंद तीसरा अध्याय और 26वां श्लोक। मैं कह रहा हूं ना, ये पूरा अध्याय हम पढ़ेंगे, लेकिन आज गुरु कृपा से जो प्रेरणा हो रही है इस श्लोक को हम आप ध्यान से सुनिए। आगे के श्लोक है, उसी के संदर्भ में ये श्लोक है और उसी से मिला हुआ ये श्लोक है, लेकिन आज ये श्लोक ही पढ़ रहा हूं। अतः इन सभी बातों पे विचार करते हुए बुद्धिमान लोग हर एक के हृदय में स्थित तथा समस्त शुभ गुणों की खान भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की भक्ति को अपनाकर सारी समस्याओं को हल करने का निर्णय करते हैं। पहले तो यहां भागवत में ये किसका मत है बोलो ना, यमराज का। यमराज जो 12 महाजनों में एक है, पहली बात, संपूर्ण जिनको पता है क्या पाप है क्या पुण्य है। अब आप सोचिए ना कि अपराध का सबसे ज्यादा ज्ञान किसको होगा, जज को होगा, किस अपराध का क्या दंड है, किस अपराध का क्या दंड है, किस अपराध पे कौन सी धारा लगेगी, वकील अपनी अपनी दलीलें देते हैं और जज उस पर निर्णय लेता है। तो यहां यमराज जो सारे दंड अधिकारियों के भी अधिकारी है, यमराज वो क्या कह रहे हैं ये सुनने और समझने की बात है, ये सुनने और समझने की बात है। पहली बात तो यहां कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान लोग हैं उनको अपनी सारी समस्याओं को हल करने के लिए भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन का निर्णय लेना चाहिए। वो फैसला कर लेते हैं
जीवन का कि अब मुझे क्या करना है, हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ये निर्णय ले लेते हैं, फैसला कर लेते हैं। कौन? जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। कौन सी समस्या? समस्या उसको कहते हैं जिसका समाधान ना हो, और जिसका समाधान आ जाए है? हम तो कहते नहीं ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अभी हल कर लेता हूं, ये कोई समस्या है, अभी हल हो जाएगी। जो हल हो जाए वो समस्या ही नहीं है। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि विज्ञान जितना भी जोर लगा रहा है, जन्म जरा मौत और व्याधि का कोई समाधान नहीं निकल रहा है। जन्म जरा मौत और व्याधि का कोई समाधान नहीं निकल रहा है, और बुद्धिशाली लोग ये निर्णय कर लेते हैं कि अब सबके हृदय में स्थापित ईश्वर सर्व भूतानाम, भगवान सब जीवों में जो स्थापित है, जो सब शुभ गुणों की खान है, अब मैंने फैसला कर लिया है कि अब मुझे हरि नाम का क्या करना है, कीर्तन करना है। हरे कृष्ण 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 अब समझो, अब निर्णय ले लिया। क्या क्या निर्णय लिया बोलो ने जी, सब बोलिए, सब बोलिए, हरि नाम कीर्तन करने का जिन्होंने निर्णय ले लिया है, जिन्होंने हरि नाम जाप करने का निर्णय ले लिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अब निर्णय ले लिया। और मैं साफ साफ कह दूं, जिन्होंने नहीं लिया वो अभी ले लो, जिन्होंने नहीं लिया है वो अभी ले लो। क्यों? कैसे करने से क्या होगा? ऐसे करने से होगा क्या? जो बुद्धिमान है, अगर आप में जरा भी अकल है तो अभी फैसला करो कि मुझे रोज हरि नाम करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, मुझे रोज ये करना है। इसका मैंने क्या कर लिया? निर्णय ले लिया, फैसला हो गया, एंड अब मुझे यही करना है, ये मैंने फैसला कर लिया। और जब ये फैसला कर लोगे तब क्या होगा पता है? आगे यमराज कर लेते हैं, मैं फिर से पढ़ता हूं। अतः इन सभी बातों पर विचार करते हुए बुद्धिमान लोग हर एक के हृदय में स्थित तथा समस्त शुभ गुणों की खान भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की भक्ति को अपना कर सारी समस्याओं को हल करने का निर्णय ले लेते हैं। सारी समस्याओं का समाधान एक हरि नाम में। श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने जब बैक टू गॉडहेड मैगजीन पहला संस्करण निकाला, तब उन्होंने उसके हेड कवर पेज पे क्या लिखा? सारी बीमारियों का एक इलाज हरि नाम। श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने लिखा सब समस्याओं को। और यहां गुरबाणी भी इस बात को कहती है, निस दिन नानक जो जपे सफल होवे सब काम, सब समस्याओं का समाधान। ये जो आप माला थैली लेके घूमते हो ना, इसी में आपका पूरा जीवन की सफलता है, इसे कभी नहीं छोड़ना। और एक शब्द मैं कह रहा हूं, मर जाना पर छोड़ना नहीं,
मरते दम तक ये हरिनाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज हम सबों को ये फैसले करने का दिन है। जो माला कर रहे हैं ठीक है, जो नहीं कर रहे हैं ठीक है, आज ये फैसला कर लो। जो कर रहे हैं वो भी फैसला कर लो, क्योंकि संकल्प को रिन्यू करने में क्या बुराई है। संकल्प को रिन्यू करने में क्या बुराई है। ये निर्णय हो चुका है मेरे जीवन का कि मुझे अंतिम क्षण तक ये करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब ये फैसला हो गया। मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है। वो फिल्म का डायलॉग कैसा था कि जब मैं कोई फैसला कर लेता हूं तो अपनी भी नहीं सुनता हूं, बस ये फैसला कर डालो, आज से मुझे अंतिम सांस तक किसी के तो क्या अपनी भी नहीं सुन दी, नो कंप्रोमाइज। हरे कृष्ण 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 ये मेरा निर्णय है। और ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, यह आगे चलकर यमराज कहते हैं कि ऐसे लोग, कैसे लोग बोलो ना, मैं कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ दोहराई हुई बात पूछ रहा हूं। कैसे लोग, जो लोग